हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, वन शॉट सीरीज बायोलॉजी की चल रही है क्लास 12th, और उसमें अभी तक हम बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और हम कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एंड वी आल्सो हैव कंप्लीटेड आपका प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वेरी गुड वेटेज फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज इसका हम वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वन शॉट की। देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक को समझेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बेसिक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं न्यूक्लिक एसिड। दिस न्यूक्लिक एसिड इज मे बी डीएनए और आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोथ हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस, दोनों के फंक्शंस अलग है। दैट हैज द जॉब ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, and that has the job that is the genetic material। ये समझ लीजिए हमारे शरीर की किसी भी ऑर्गेनिज्म का एल्गोरिथम है, उसका पूरा का पूरा डेटा है जो कि आगे चलकर प्रोटीन्स बनाता है। तो ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म को जिन हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, क्योंकि जीन भी इसी का ही पार्ट है। इस पर्टिकुलर कैसे इसका केमिकल व्यू है, हाउ इट इज मेड अप ऑफ, ये सारी कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर, एंड इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर, एंड दैट मोनोमर इज न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड मेनली तीन कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स, इज मेड ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स। These components are, first है आपका pentose sugar, second is nitrogenous base, and third is
फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन पार्ट मिलकर, ये तीन कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, और दैट इज न्यूक्लियोटाइड। देखिए जी, पेंटोज शुगर इज अ मोनोसेक्राइड, दैट अ मोनोसेक्राइड, एंड पेंट मींस आप जानते हैं दैट्स अ फाइव कार्बन शुगर। सो दैट्स अ मोनोसेक्राइड फाइव कार्बन शुगर। ये आपने केमिस्ट्री में 12th में बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा है। अब ये मोनोसेक्राइड डीएनए और आरएनए में अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करें डीएनए की और हम बात करें आरएनए की, तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट। अब उसी चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, डीएनए के अंदर ये होता है आपका डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर होता है ये राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइब। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात का डिफरेंस है, इसमें सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन होता है और इसमें सेकंड कार्बन पर ओएच ग्रुप होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। भाई पांच कार्बन की शुगर हो गई है, तो जो सेकंड कार्बन होता है उस सेकंड कार्बन पर आरएनए में ओएच ग्रुप होता है और डीएनए में कार्बन, उस सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, और जिसकी वजह से ये पहला स्ट्रक्चरल डिफरेंस हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिफरेंशिएट डीएनए फ्रॉम आरएनए ऑन व्हाट बेसिस? पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर के बेसिस पर आपने डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर को अलग अलग कर लिया, और यही वजह है, दिस इज द रीजन दैट आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए। आरएनए डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव है एंड आरएनए लेस स्टेबल है। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो सबसे पहला हमने समझा और पढ़ा। अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट इज नाइट्रोजिनस बेस। देखिए, नाइट्रोजिनस बेस दैट मींस नाइट्रोजन जिनके अंदर है, ऐसे बेसिस, बेसिस कंटेनिंग नाइट्रोजन, बेसिस कंटेनिंग नाइट्रोजन, उनको हमने क्या नाम दिया? नाइट्रोजिनस बेसिस नाम दिया। अब ये नाइट्रोजिनस बेसिस, आप एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखिए, बेंजीन के अंदर रिंग वाले कंपाउंड, पहला कंपाउंड बेंजीन जिसके अंदर छह कार्बन एक ही रिंग में होते हैं, अगर यहां पर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ जाता है कहीं कहीं, तो वहां पर हम उसको नाम देंगे फिर नाइट्रोजिनस बेस। अब ये नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि रिंग में छह कार्बन में कोई एक कार्बन नहीं है, दो कार्बन नहीं है, उनकी जगह नाइट्रोजन है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? नाइट्रोजिनस बेस नाम देंगे इसको। तो ये हुआ आपका नाइट्रोजिनस बेस। अब ये नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके के हो सकते हैं, कंटेनिंग वन रिंग। अब ये एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, अगर सारे ही कार्बन हैं रिंग के अंदर तो वो होमोसाइक्लिक रिंग कहलाता है, और अगर डिफरेंट एटम आ जाता है जैसे नाइट्रोजन आ गया तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहेंगे।
तो अगर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है कंटेनिंग वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग और कंटेनिंग टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, इसके बेसिस पर बेसिस, ये नाइट्रोजिनस बेसिस दो तरीके के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस अगर एक ही रिंग कंटेन कर रहा है तो उस क्लास को कहते हैं हम पायरीमिडीन, और अगर वो दो नाइट्रोजिनस रिंग्स रख रहा है तो दोज आर नेम्ड एज प्यूरिंस। पायरीमिडीन भी दो होते हैं, पहला होता है आपका, तीन होते हैं ये, पहला होगा आपका साइटोसिन जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है आपका थाइमिन जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा होता है यूरेसिल जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से प्यूरिन दो तरीके के होते हैं, दो एग्जाम्पल है, एडिनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है ग्वानिन जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर फिर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है, याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। फिर सेकंड डिफरेंस आता है यहां पर डीएनए और आरएनए के बीच में, सेकंड डिफरेंस, और सेकंड डिफरेंस ये है कि एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन ये तीनों बेस पेयर दोनों के अंदर होते हैं, ये डीएनए के अंदर भी होते हैं और आरएनए के अंदर भी होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से एक बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बेसिस पर अलग हैं। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। तो आपने अभी तक दो डिफरेंसेस कर लिए, एक तो हो गया ये पेंटोज शुगर में, सेकेंड कार्बन पर अगर एच है तो वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर है जो कि आपका डीएनए में पाई जाती है, और दूसरा आरएनए के अंदर सेकेंड कार्बन में, सेकेंड कार्बन पर, पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर ओएच ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये आरएनए मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, और डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, दीज नाइट्रोजिनस बेसिस आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। हमेशा जो एडिनिन होगा उसके सामने थाइमिन होगा, ठीक है जी, या थाइमिन के सामने एडिनिन होगा। इसी तरीके से दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी तरीके से आपको बात ध्यान में रखनी है कि ग्वानिन के सामने ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन होगा या साइटोसिन के सामने ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन होगा। अब इसीलिए इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। ये एक फिक्स है, हमेशा पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन होगा या प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन होगा, ये अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सभी के डीएनए में यही इस तरीके की ही स्ट्रक्चर होती है, इसको आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में हर हालत में रखनी। नेक्स्ट बात करते हैं अब फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कंपोनेंट है, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ
H3PO4, दैट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड. ये फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, इस कंपाउंड के तौर पर पाया जाता है. अब आप जानते ही हैं कि इसके अंदर इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है. अब इसके अंदर एक दो टर्मिनल फॉस्फेट, देर आर टू टू टर्मिनल. टर्मिनल का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर, यहां पर जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, दीज आर लार्जर बॉन्ड लेंथ हेंस वीक, आसानी से टूट जाएंगे. तो दो टर्मिनल आपके ये POH बॉन्ड्स होते हैं जो आसानी से टूट सकते हैं और ज्वाइन किए जा सकते हैं. तो इस तरीके से ये, आप इस तरीके से समझिए कि ये एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए ये फॉस्फेट ग्रुप बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल फॉस्फेट OH बॉन्ड्स होते हैं, POH बॉन्ड्स होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और जो दूसरे नाइट्रोजन आपका पेंटोस शुगर के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से ये तीन कंपोनेंट्स हो गए जो मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. अब हम इनको समझते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड बनता है. देखिए जी, तीन कंपोनेंट्स किस तरीके से जुड़ते हैं, अब आगे के फॉर्मेट को समझते हैं. देखिए, जब पेंटोज शुगर से पेंटोज नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. दैट स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज न्यूक्लियोसाइड. कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये आपका, हमने इस तरीके से एक ये पेंटोज शुगर दिखा दिया, ठीक है जी, दिस इज पेंटोज शुगर. अब इस पेंटोज शुगर के सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर कार्बन पर, इस कार्बन पर ये बॉन्ड हो गया और यहां पर आकर जुड़ गया एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस. तो अब बड़े ध्यान से समझेंगे इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस एंड नेम्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहां पर एन का मतलब है नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, समझ में आ रही है बात. अब ये नाइट्रोज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो तरीके से बनता है. देखिए जी, अगर पेंटोज शुगर का पहला कार्बन एंड नाइट्रोजिनस बेस अगर प्यूरिन है, प्यूरिन यानी कि एडिनिन या गुआनिन, तो उसका नाइन्थ नाइट्रोजन, नाइन्थ नाइट्रोजन
और पहले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा पेंटोज शुगर के, और कहीं ये आपका दूसरा है, यानी कि पेंटोज शुगर का वहां भी पहला ही कार्बन होगा, लेकिन अगर पायरिमिडीन है तो वहां पर, यानी कि थायमिन, यूरेसिल या साइटोसिन, इनमें से कोई सा, तो यहां पर पहली नाइट्रोजन और पहले कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा। पहली नाइट्रोजन और पहले कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा। तो इसमें होगा जी तो ये तो ये हो गया जी आपका यहां पर पायरीमिडीन एडेनिन, सॉरी ये आएगा आपका साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल, और ये पहली नाइट्रोजन और पहले कार्बन के बीच में होगा। यानी कि पेंटोज शुगर के साथ तो फाइनल है कि पहला ही कार्बन होगा, लेकिन नाइट्रोजिनस बेस डिफरेंट हो जाएगा। अगर प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन के साथ, और पायरिमिडीन है तो पहली नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहां पर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है बोर्ड के हिसाब से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए यदि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपका हम बात करें डीएनए में और हम बात करें आरएनए, तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, और आरएनए के अंदर सिंपल न्यूक्लियोसाइड। सो डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब यहां पर देखिए डी ऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है जी, राइबोस, और यहां पर होती है आपकी राइबोस शुगर। अब इसके साथ जुड़ गया एडिनिन, ऐसे यहां जुड़ गया आपका एडिनिन, तो इसको हम कहेंगे डी ऑक्सी एडिनोसिन, और इसको हम कहेंगे एडिनोसिन। इसी तरीके से सेम नेक्स्ट डी ऑक्सी राइबोज, यहां पर सिंपली राइबोज। इसके साथ हमने जोड़ दिया, अब की बार हमने जोड़ दिया जी इसके साथ हमने जोड़ दिया एडिनिन ग्वानिन। तो ये बन जाएगा आपका डी ऑक्सी ग्वानोसिन,
और यहां पर आ जाएगा सिंपली ग्वानोसीन। इसी तरीके से नेक्स्ट सेम अगर हम ले लेते हैं डीऑक्सी राइबोज, यहां पर हमने ले लिया जी राइबोज, और यहां पर ले लिया हमने एडिनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, नेक्स्ट आ गया साइटोसिन, यहां पर भी ले लिया हमने साइटोसिन। तो ये बन जाएगा आपका डीऑक्सी साइटिडीन, यहां पर साइटिडीन। और लास्ट हमने ले लिया जी डीऑक्सी राइबोज, यहां पर भी राइबोज राइबोज। और इसके साथ हम लेंगे यहां पर थाइमिन, क्योंकि डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, और यहां पर हम लेंगे यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। तो ये बन जाएगा जी आपका डी ऑक्सी थाइमिडीन, और ये बन जाएगा आपका यूरे यूरीडीन यूरीडीन। और इस तरीके से ये हमारे न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो आपसे एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ये बड़े पोटेंशियल क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा कि हमने बना लिया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, दैट इज नेम्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो आप सिंपल इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने इसमें ले लिया पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, और उसके साथ जुड़ गया ये आपका फॉस्फेट ग्रुप, एंड दैट इज न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम हो गया जी न्यूक्लियोटाइड। अभी तक हमने देखा, देखिए ये आपका पेंटोज शुगर, इसके साथ जुड़ गया ये नाइट्रोजिनस बेस, और इसके साथ अब हम जोड़ रहे हैं ये फॉस्फेट ग्रुप। तो अब हम उसी तरीके से इस बॉन्ड की बात करेंगे, दिस वन, दिस बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज नेम्ड एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, दैट इज नेम्ड एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब ये बॉन्ड और जो पिछला बॉन्ड हमने पढ़ा था, फॉर्म ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से जो ये बॉन्ड बना है आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज आल्सो फॉर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों ही बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने की वजह से बनते हैं, क्योंकि एक के अंदर होता है आपका H और एक का OH, वाटर बना लेते हैं और ये बॉन्ड बन जाता है। चाहे हम बात करें इस बॉन्ड की, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
फॉर्म ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या वन वाटर मॉलिक्यूल. और ये बॉन्ड किस किस के बीच में है, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज बिटवीन पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस. इस तरीके से आप देखते हैं बच्चों के एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में हमें दो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल चाहिए और दो बॉन्ड चाहिए. वन इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड सेकंड इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. अब यहां पर फिर ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपका फिर डीएनए और आरएनए के बेसिस पर अलग-अलग हो जाएगा. डीएनए और आरएनए, ये डीएनए के बेसिस पर कहलाएगा डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के बेसिस पर इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड. अब इसी तरीके से जैसे हमने बनाया था डी ऑक्सी एडीनोसिन न्यूक्लियोसाइड बनाया था, इधर बनाया था एडीनोसिन. अब उसके साथ क्या जुड़ गया भाई, बेसिक कैलकुलेशन क्या हुई है यहां पर, बेसिक कैलकुलेशन ये हुई है कि न्यूक्लियो साइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है जी, न्यू डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डी ऑक्सी और यहां पर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये बन गया जी न्यूक्लियोटाइड और यहां पर बन गया डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. तो ये फॉर्मेशन हुई है. अब उसी बेसिस पर हम इसका नाम रख देंगे, यहां पर हो जाएगा डी ऑक्सी एडीनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे ही एडीनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप. तो ये बन जाएगा आपका डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड और यहां पर बन जाएगा ये एडिनाइलिक एसिड. तो डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड. इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डी ऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, ये बन जाएगा गुआनाइलिक एसिड. इसी तरीके से नेक्स्ट बन जाएगा जी हमारा डी ऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, ये बन जाएगा साइटिडाइलिक एसिड और लास्ट बन जाएगा हमारा डी ऑक्सी थाइमी डाइलिक एसिड और ये बन जाएगा यूरी डाइलिक एसिड. अब इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं एडिनो डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको कह सकते हैं हम डी ऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम कह सकते हैं डी ऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और इसको हम कह सकते हैं डी ऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट. और इन सभी में अगर हम डी हटा देंगे, जैसे बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट,
या एडिनिलिक एसिड, ऐसे ही इसको हम से कह सकते हैं, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और इसको हम कह सकते हैं यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से इनके अदर नाम भी हो सकते हैं, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ये किसी भी तरीके के एमसीक्यू के सोर्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा पोटेंशियल पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही आता है ये, किसी ना किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। उसका पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज वेरी इजी। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझोगे को, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद करना है, हर चीज आपको समझनी है। एक सिमेट्री है, और उस वो ही सिमेट्री सिर्फ आपके काम में आ सकती है अगर उसको ढंग से आप विजुलाइज करें। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं स्कैन करने के लिए, ताकि आप इसको अपने पास प्रिजर्व रख सकें और इसके नोट्स बनाने में इसको हेल्प कर सकें इनसे। तो ये बड़ा आपका लिए काम की चीज है, क्योंकि इसके ऊपर एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1 नंबर का एमसीक्यू आपका कहीं भी बन सकता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलिए, ये आपने स्कैन कर ही लिया होगा, अब आगे चलते हैं, इसमें आगे की वैल्यू को समझते हैं। देखिए, ये हमने लिया जी पेंटोस शुगर, ये इसके बाद हमने ये फॉस्फेट ग्रुप ले लिया, ऐसे ही इधर हमने ये फॉस्फेट ग्रुप ले लिया, और अब हमने इनके बीच में लगाने हैं इस तरीके से, ये आपकी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन तैयार हो गई, एंड दिस इज द न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको हमने डीएनए मॉलिक्यूल बोला, और इसकी स्ट्रक्चर को दैट डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, एंड दिस इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, एंड दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट ने, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, कि जब OH ग्रुप इज फ्री टू लिंक एट इफ OH ग्रुप इज OH ग्रुप ऑफ फॉस्फेट
ग्रुप इफ ओएच ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एट फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री टू लिंक, तो उसको हम बोलते हैं 5' एंड और 5' एंड और 5' मॉइटी। मॉइटी मतलब फ्री एंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी तरीके से इफ इफ ओ एच ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री एट थर्ड कार्बन, तो उसे हम बोलते हैं 3' एंड और 3' एंड और 3' मोइटी। ये बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ये ऐसे समझ लीजिए कि इन पर क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन के इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, जो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, तो आप देखेंगे बच्चों कि ये एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो टोटल इसमें हो गए 6 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पर आपके 6 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अब आप यहां देख रहे हैं, दिस इज 3' 5' फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, दैट इज नेम्ड एज 3' 5' फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या कर रहा है, दैट दिस बॉन्ड इज बिटवीन और दैट कनेक्ट्स टू न्यूक्लियो टाइड्स, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड है। तो आपने डीएनए के अंदर तीन बॉन्ड पढ़े, अभी तक हम डीएनए में बॉन्ड्स इन डीएनए टू फॉर्म न्यूक्लियो टाइड एंड टू जॉइन टू न्यूक्लियोटाइड्स। अब इस बेसिस पर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने के लिए दो बॉन्ड आपने पढ़े, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक पढ़ा आपने, फॉस्फो एस बॉन्ड, और दो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए आपने पढ़ा 3' 5' फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। आपने इस तरीके से ये तीन बॉन्ड पढ़े हैं, दो बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं और एक बॉन्ड आपका दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है। तो अब ये भी आप जानते हैं, ये बना है
बॉन्ड है ये बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर और ये बना है बच्चों आपका बॉन्ड बिटवीन ये बना है आपका नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में और ये बना है आपका पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक आइडिया अभी कंप्लीट होता है कि कैसे हम डिफरेंट बॉन्ड्स बनाकर ये पूरे के पूरे डीएनए को तैयार करते हैं। अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं। देखिए यही सारी चीजें आपको आपकी बुक में मिलेंगी, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है आपको, बस उसको आपको एक साथ कोरिलेट किया है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो मॉलिक्यूल के बेसिस पर, डीएनए इनहेरिटेंस के बेसिस पर अब हम इसको शुरू करने हैं, कर चुके हैं और इसको समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सेम उसी तरीके की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, कोई नई चीज नहीं है, जो ऑलरेडी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, वही बातें हैं। यहाँ पर देखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, दीज आर द टू न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। उसके बाद हमने कहा था कि डीएनए क्या है, एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्यों कहा है, क्योंकि वायरसेस में आरएनए भी होता है, आरएनए दो इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर और आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। इसके अलग अलग काम है प्रोटीन सिंथेसिस में, अलग अलग तरीके के इसके रोल है। अब देखिए इट एक्ट्स एज अडेप्टर, तो अडेप्टर में यहाँ पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसको हम टीआरएनए कहते हैं। और स्ट्रक्चरल और कैटालिटिकल रोल, तो वो हो जाता है आपका राइबोसोमल आरएनए का, आरआरएनए, ठीक है जी। और इसके अलावा जो मैसेज का काम करता है, मैसेज मैसेंजर की तरह काम करता है, तो ये मैसेंजर वाला हो जाएगा आपका एमआरएनए। तो इस तरीके से ये तीन अलग अलग तरीके के आरएनएज होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब इसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो ऑलरेडी हम जान चुके हैं, जिसका पूरा बेसिक आइडिया मैं आपको दे चुका हूं। आरएनए से, डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है, दैट इज ट्रांसलेशन, और उसका रेगुलेशन कैसे होता है। इस पूरे बेसिक आइडिया को हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग दैट। देखिए जी अब आगे चलते हैं। अब डीएनए की स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके से आ गई है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए जी, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज अ बेस पेयर, ठीक है जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर। दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के आमने सामने जो पूरे हैं उन्हें हम बेस पेयर्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पर डीएनए की लेंथ को डिफाइन किया जाता है। अब जैसे कि देखिए बैक्टीरियोफेज में, जिसको हम कहते हैं 5 × 174, ये इसका नाम है बैक्टीरियोफेज का। और बैक्टीरियोफेज आपको पता ही है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसी तरीके से बैक्टीरियोफेज लैम्डा में
48,502 बेस पेयर्स है, और इसरिश्रिया कोलाई में इसी तरीके से 4.6 × 10^6 बेस पेयर्स है, एंड इन द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन वी हैव 3.3 × 10^9 बेस पेयर्स, और डिप्लॉइड की बात करें हम तो दैट विल बी 6.6 × 10^9 बेस पेयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जी, नेक्स्ट लेट अस recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain. A nucleotide has three components जो अभी हमने डिस्कस करे, nitrogenous base, a pentose sugar, ribose in case of RNA and deoxyribose in case of DNA and a phosphate group. उसके बाद देखिए वही nitrogenous bases आ गए, nitrogenous bases are purines और pyrimidines. purines होते हैं आपके डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले, जिसको हम कहते हैं एडिनिन या ग्वानिन, और pyrimidines होते हैं आपके सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन. साइटोसिन तक कॉमन होता है डीएनए और आरएनए में, अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल डिफरेंस दो ही है, एक तो आपका राइबोज और डिऑक्सीराइबोज मोनोसैकेराइड शुगर के बेसिस पर, पेंटोज शुगर जो है, और दूसरा हो गया जी आपका ये बेस पेयर्स के बेसिस पर एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ द डीएनए एंड आरएनए, बट थाइमिन इज फाउंड इन डीएनए एंड यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है. यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट प्लेस ऑफ थाइमिन. अब अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. तो अब देखिए एडिनोसिन डिऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन डिऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडिन डिऑक्सी साइटिडिन, यूरिडिन और डिऑक्सी थाइमिडिन. तो अब आप देखो सब दे रखा है बुक में, लेकिन ये बने कैसे? देखो बच्चों ये हमें खुद वर्क करना है, दिस इज द जॉब ऑफ टीचर टू clarify this. इसको आप तक पहुंचाना. When a phosphate group is linked to OH of 5- carbon of a nucleoside phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or nucleotide depending upon the type of sugar present is formed. अब sugar deoxy है तो deoxy nucleotide कहेंगे उसे, और sugar आपका आपकी ribose है simple, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. तो टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू, देखिए आ गया 3-5- फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड एंड मोर न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन. अब देखिए ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन आपको दी हुई है, और उसके बाद जो हमने मॉइटी वाली बात डिस्कस की थी सेम वही देखिए, जो 5- अब ये पांचवा कार्बन है, उस पांचवें कार्बन पर फॉस्फोट जुड़ने के लिए खाली है, तो इसको हम कहेंगे 5-end. यहां पर आप देख रहे हैं तीसरे कार्बन का OH पेंटोज शुगर का जुड़ने के लिए कार्बन है, तो दैट इज 3-hydroxyl end, और 3-hydroxyl end को 3-moiety कहते हैं हम, और 5-hydroxyl end को वो फॉस्फेट एंड को हम 5-moiety कहते हैं. तो उसी चीज को ये कह रहे हैं कि अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज द हैज एट वन एंड अ फ्री 5 आपका फॉस्फेट मॉइटी एट 5-end ऑफ शुगर विच इज रेफर टू एज 5-end ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और इसी तरीके से आप देखेंगे तो दूसरे के अंदर एट द अदर एंड पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री OH ऑफ 3rd कार्बन of pentose sugar which is referred to as 3-end of the polynucleotide chain. ठीक है जी, अब यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए तो बुक के हिसाब से 5-to-3- एक हम मानते हैं इस तरीके से, और दूसरा भी हम यही मानेंगे 5-to-3-, तो इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं किसी भी डीएनए के वो इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेललिटी. एंटी पैरेललिटी, एंटी पैरेलल होते हैं ये, जैसे कि आपका
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम उसी तरीके से दोनों स्ट्रैंड स्ट्रक्चरली सेम है बट अपोजिट पोलैरिटी है. दीज आर सेम इन स्ट्रक्चर बट अपोजिट इन पोलैरिटी एज वेल एज डायरेक्शन. एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, तो इस वजह से इनको हम एंटी पैरेलल कह रहे हैं. अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वर्ड बहुत आता है एमसीक्यू की फॉर्म में. बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट. तो बैकबोन कौन बनाता है? शुगर एंड फॉस्फेट. ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. तो अब ये इस तरीके से हो गया, ये आपके दो पैरेलल बैम्बू हो गए, एक तरीके से सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती है, लैडर लाइक. डीएनए इज लैडर लाइक, लैडर लाइक सीढ़ी जैसा होता है. तो सीढ़ी में दो वर्टिकल बैम्बू होते हैं लैडर में, तो ये वर्टिकल बैम्बू हो गए और इन वर्टिकल बैम्बू के बीच में आपके रंग्स ऑफ लैडर हो गई. ये हो गए रंग्स ऑफ लैडर, रंग्स ऑफ लैडर. और ये हो गया जी आपका वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल बैम्बू हो गए. तो ये वर्टिकल बैम्बू तो हमें शो कर रहे हैं आपका शुगर फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट उसकी बैकबोन बना रहे हैं. और ये रंग्स ऑफ लैडर हमें क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं हमें आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो ये पैड़ियां बना रहे हैं. और इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है किसका? डीएनए का. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, एंटी पैरेललिटी और शुगर फॉस्फेट बेस, जो ये दोनों मिलकर आपका बैकबोन बना रहे हैं. और जो अंदर की तरफ आपका सीढ़ियां हैं, जो अंदर का हिस्सा है, प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजनस बेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट देखिए जी, अब ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिया हुआ है. दैट इज द सेम के इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन द राइबोस, और इसीलिए, और दूसरा यूरेसिल. तो ये दो यूरेसिल और थाइमिन को भैया ये ध्यान रखना 5-methyl यूरेसिल भी कहते हैं. तो जब यूरेसिल के पांचवें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो वो यूरेसिल थाइमिन बन जाता है. तो ये चेंज हो गया किसके अंदर? थाइमिन डीएनए से आरएनए में, आरएनए से डीएनए में. आरएनए के अंदर यूरेसिल था और यूरेसिल में फिर ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ये आपको एक सबूत दे रहा है कि पहले पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा, शुरुआत का जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, वो आरएनए रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव हुए. दो, पहला बदलाव हुआ कि आरएनए के में जो सेकंड कार्बन पर ओएच ग्रुप था उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया, तो राइबोस शुगर की जगह डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गई. और दूसरा डिफरेंस ये आया कि जो आपका थाइमिन है वो थाइमिन की जगह, सॉरी यूरेसिल जो है, उस यूरेसिल में 5-carbon पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और अब वो यूरेसिल थाइमिन में बदल गया. तो इस दो स्ट्रक्चरल चेंज ने डीएनए को लेस रिएक्टिव बना दिया और मोर स्टेबल बना दिया. और आप जानते ही हैं कि जितनी हर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है, तो उसी तरीके से आरएनए में बदलाव हुए वो डीएनए में बदला. दो तरीके से, पेंटोज शुगर के ऊपर दूसरे कार्बन पर
OH की जगह एच आना और यूरेसिल के अंदर पांचवी पोजीशन पर मिथाइल का जुड़ना, जिसकी वजह से वो थाइमिन में बदल गया। तो ये दो स्ट्रक्चरल चेंजेस, दो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, और कहीं ना कहीं ये दो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हमें ये भी बताते हैं कि कैसे आरएनए इवॉल्व हुआ डीएनए में। और आप इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल आरएनए मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव डीएनए में बदला, क्योंकि आरएन जो भी रिएक्टिव ज्यादा होगा, सीधी सी बात है उसके अंदर म्यूटेशन ज्यादा होगी, और म्यूटेशन आर द सडन चेंजेस। अब स्टेबिलिटी के लिए बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होना ठीक चीज नहीं है, फॉर स्टेबिलिटी चेंजेस विल बी ग्रेजुअल, धीरे धीरे होने चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अब ये पूरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, ये एमसीक्यू के लिए, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। तो ये पहला वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, कि एसिडिक सब्सटेंस के नाम से फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए को बताया था, आइडेंटिफाई किया था, और उन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। क्या नाम रखा था? न्यूक्लिन। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये कह रहे हैं हाउएवर ड्यू टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेंड इलूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए भाई, एक नॉर्मल ह्यूमन डीएनए की मैं बात करूं, ह्यूमन डीएनए लेंथ ये है भैया 2.2 मीटर। अब इस पूरे के पूरे को देखिए जी, सेल माइक्रोस्कोपिक, सेल से भी छोटा है न्यूक्लियस, दैट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, और उसमें भी अंदर ये डीएनए उलझा हुआ पड़ा हुआ है, विल आपका आरएनए प्रोटीन्स लाइपेज बहुत लाई इन सभी अलग अलग मटेरियल के साथ इसकी गुत्थी हुई हुई है, ये पूरी की पूरी तरीके से उलझा हुआ है। अब इसको बाहर निकालना कोई फूक मारी और काम हो गया, ऐसा तो नहीं है, इट विल टेक टाइम। अब उसको पूरा सेटअप चाहिए। तो अब इस पूरे के पूरे लेंथ को निकालने के लिए भैया, पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज इंटेक्ट निकालने के लिए इस लॉन्ग पॉलीमर को, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। अब ये एलुसिडेशन में ही ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, इसलिए डीएनए की डिस्कवरी आप देख रहे हैं ये हुई है 1869 में, और डीएनए का पहला मॉडल जो प्रपोज हुआ है दैट विल प्रपोज्ड इन 1953। अब आप डिफरेंस का अंदाजा ले सकते हैं। और इसके पीछे क्या था, सबसे पहले तो हमें आइसोलेट करने का उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए चाहिए ना। अब इसीलिए ये दो साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक दी, एक तो मॉरिस विल्किंस और एक रोजेलिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इंपॉर्टेंट एक टेक्निक निकाली जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक। क्या नाम था? एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक। अगर ये एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक इन्होंने नहीं बताई होती तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को कभी प्रपोज नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। देखिए अभी तक हम पांच साइंटिस्ट के नाम पढ़ चुके हैं। पहला साइंटिस्ट है जिसने न्यूक्लिन नाम दिया, उन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया, एसिडिक सब्सटेंस बताया और सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ना 1869 में, और उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो ये पहला वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि भैया डीएनए के अंदर डीएनए की जो स्ट्रक्चर को काफी समय लगा, देखो
उसकी डिस्कवरी हो गई थी 1869 में, मतलब उसके बारे में जानकारी हमें मिल गई थी 1869 में, लेकिन उसका पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को आइसोलेट करने में आप समय देख सकते हैं कितना ज्यादा लगा। 1953 में जाकर डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा रोजेलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक की वजह से। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के मॉडल को, डबल हेलिक्स मॉडल को आइडेंटिफाई किया, उसके पूरे के पूरे बेसिस को बताया, समझाया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थर्ड वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके ऊपर जबरदस्त आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब उसी तरीके से फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द बेस pairing rule, and that is very very important value important point 4, 100% is per MCQ आपको मिलेगा 100%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार के सैंपल पेपर में एक सेम एमसीक्यू इसके बेसिस पर आपको दिया हुआ भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों के, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इस प्रोपोर्शन को समझाया था इरविन चारगाफ ने, जिसको चारगाफ रूल कहा जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में रेशियो बिटवीन एडिनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू वन। एडिनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन दैट इक्वल टू वन, और जिसे हम कहते हैं बेस पेयर रेशो, बेस पेयर रेशो या बेस रेशो, और ये इरविन चारगाफ ने दिया था। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं और इस बार भी हो सकता है आपको इसके बेसिस पर एमसीक्यू मिल जाए। सेम एमसीक्यू इज गिवन इन दिस इन योर सैंपल पेपर। अभी डिस्कस करता हूँ, अभी बताता हूँ मैं। अभी पहले इस चीज को आपने नोट कर ही लिया होगा, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, एक बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये इक्विमोलर होता है। अगर एडिनिन जितना होगा उतना ही मोलैरिटी, उतने ही मोल्स आपके थाइमिन के होंगे, और जितने ग्वानिन के होंगे उतने ही साइटोसिन के होंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, मैं दो तरीके के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए जी, एक तो आपको लास्ट में आपकी बुक में ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले बुक के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन कि इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। इसे हम कहते हैं इक्विमोलर, ये इक्विमोलर होते हैं। दूसरा, अब देखिए, अभी हमने कहा था कि भाई एडिनिन और थाइमिन का जोड़ साइटोसिन और ग्वानिन के जोड़ के बराबर होगा, इसका ये तो रेशो अभी हमने निकाला था। तो अब उस बेसिस पर साइटोसिन हमारे पास कितना है, 20%। तो जो भी बुक में कह रहा है तो 20% साइटोसिन है, तो भैया सिंपल सी बात है ग्वानिन भी 20% हो गया। तो इसका मतलब साइटोसिन और ग्वानिन 20+20 40% हो गए। अब अगर हमें एडिनिन और थाइमिन निकालने हैं तो परसेंट का मतलब हो गया 100, 100 में से हम 40 घटा देंगे तो दैट विल बी 60%। अब 60%, अब आप जानते हैं जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 60/2, दैट मीन्स द 30%। तो इसका मतलब एडिनिन और थाइमिन 30-30% होंगे। तो एक तरीके का क्वेश्चन तो ये है। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में, जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, देखिए जो इस बार बोर्ड ने आपके सैंपल पेपर में दिया है वही सेम हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने डाला
CBSE अरे शायद कुछ टेंट में प्रॉब्लम है। मैं जैसे ही इसमें कनेक्टिविटी होती है तो इसको बताता हूँ। चलिए इसमें आगे चलते, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वैल्यू पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने डबल हेलिक्स मॉडल, चारगाफ रूल भी हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग कंफर्म्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? देखिए, आपने ये वर्ड बहुत, जैसे जीन्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है टी शर्ट, शर्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है पैंट, मूंगफली के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है रेवड़ी, रेवड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गज्जक भी हो सकती है। तो इस तरीके से जहां पर हम जो एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं और मोस्टली कॉमन होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो उसी तरीके से हमने इसमें पढ़ा है कि आपका एडिनिन के सामने हमेशा थाइमिन या थाइमिन के सामने एडिनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। और ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी हमें दो तरीके से बहुत फायदेमंद है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वैल्यू, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के दो फायदे हैं। इस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के दो फायदे हैं, दो एप्लीकेशन हैं। अब ये दो एप्लीकेशन में पहला है प्रिडिक्शन, कि अगर हमें एक पर्टिकुलर डीएनए का स्ट्रैंड दिया हुआ है तो हम उसके बेसिस पर दूसरा स्ट्रैंड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें दे दिया ये ATGC, ये एक स्ट्रैंड हमें दिया हुआ है और हमसे कह दिया कि भाई दूसरा स्ट्रैंड बताओ, तो दैट इज वेरी इजी जॉब फॉर अस आज की तारीख में। अब हम समझ चुके हैं भाई हम क्या करेंगे। ये दूसरा स्ट्रैंड दिखा दिया, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थाइमिन के सामने एडिनिन, एडिनिन के सामने थाइमिन, और इनके बीच में हम बॉन्ड्स शो कर देंगे। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरीके से आपके सामने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया। दैट इज द प्रिडक्शन। तो ये सबसे पहला फायदा है इसका, कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा क्या फायदा है जी इसका? दूसरा फायदा है, ये दूसरा फायदा देखिए यहां दिया हुआ है कि इफ ईच स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। यहां पर इसे हम कहते हैं, ये बड़ा फायदा है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी का दूसरा फायदा है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ये आपको दो स्ट्रैंड दे दिए, ए टी वी सी ऐसे ही सामने आ गया, टी ए सी और जी। अब इसमें हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में आपने एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड सेम यही ले लिया, इसके दो पार्ट हो गए, एक एक हिस्से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ए टी जी सी और एक इधर आ गया टी ए सी और
जी, अब इसके सामने प्रिडिक्ट कर देंगे हम क्या न्यूज ट्रेंड दोनों तरफ, ये हमने नया ट्रेंड बना दिया और इसके ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो गए, टी के ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ऐसे ही इसके सामने ए आ गया, इसके सामने टी आ गया, सी के सामने जी आ गया और जी के सामने सी आ गया, और इनको हमने वे आपका बॉन्डिंग से जोड़ दिया, ऑटोमेटिकली इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग बन गई और एक स्ट्रैंड से दो नए स्ट्रैंड तैयार हो गए। अब यहां पर आप देखेंगे तो भैया ये आपका है पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल जिसे हमने कहा टेम्पलेट, सेम ये भी आपका क्या हुआ पेरेंटल और टेम्पलेट, और जो ये दो नए स्ट्रैंड्स बने हैं दीज आर टू न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स, ये बिल्कुल दो नए सिंथेसाइज स्ट्रैंड हैं जिस आप एक डीएनए से, ये आपका पेरेंटल डीएनए था, पेरेंटल डीएनए, और इससे आपके ये दो डॉटर डीएनए बन गए, डॉटर डीएनए। तो ये डॉटर डीएनए जो बने वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से बने और इसीलिए हमें रेप्लिकेशन समझना डीएनए का आसान हो गया, या आरएनए के रेप्लिकेशन को समझना आसान हो गया। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं इस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के, कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये बेस पेयर्स, इसके ये बहुत बड़े दो फायदे हैं जो हमें दो बेसिक को किसी भी एक डीएनए स्ट्रैंड डबल हेलिक्स के एक स्ट्रैंड को हमें दिया गया है तो हम दूसरे स्ट्रैंड को प्रडिक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ हमें डीएनए रेप्लिकेशन में समझने में हेल्प भी इसी कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से हुई है। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट गुड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो दो टू मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे बच्चों पूछा जा सकता है। सो दैट्स अ वेरी गुड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है, दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। नेक्स्ट देखिए जी, अब सेलियंट फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं, तो सेलियंट फीचर्स की बात करें तो हम इट इज मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट, अभी मैंने आपको बताया था, एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड्स, वो अंदर की तरफ पैड़ियां बना रहे हैं, पैड़ियां बना रहे हैं। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, आपको मैंने बताया था, अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में हम उसको मान रहे हैं तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, पोलैरिटी उसकी डिफरेंट होगी। तो वही सेम चीज कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं इस तरीके से कि 5-2-3, तो सेकंड वन इज सेम बट पोलैरिटी इज अपोजिट, सो दैट इज नेम्ड एज एंटी पैरेलल। तो इसी को ही एंटी पैरेलल नाम दिया गया है, जो अच्छे तरीके से आपको बच्चों ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए फिर ये नेक्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा का पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, ये बिल्कुल आपसे एमसीक्यू से के थ्रू जुड़ सकता है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या आपका केस बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है, ये अलग अलग भाई ये डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर पर बड़े अच्छे केस बेस्ड बन सकते हैं, तो ये चीज भी आपको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखनी है। देखिए द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अब ये देखिए, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो या तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होगी या
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होंगी, क्योंकि यही भाई फॉस्फेट ग्रुप के पास, पेंटोस शुगर के पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजिनस बेस के पास आपका नाइट्रोजन है, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये दो होते हैं आपके, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाती हैं एडिनिन और थाइमिन के बीच में, और तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाती हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं वहां पर तीन, तो इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अब एडिनिन और फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब थाइमिन एडिनिन के सामने, और इसी तरीके से आपका ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ थ्री बॉन्ड्स ऑलवेज अ प्यूरिन अगेंस्ट पाइरिमिडिन। ठीक है जी, हमेशा प्यूरिन पाइरिमिडिन के सामने होता है। दिस जेनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की विड्थ होती है। समझ में आ रही है बात? लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की विड्थ होती है दोनों स्ट्रैंड के बीच की, जो चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये सेम रहती है थ्रू आउट द लेंथ फ्रॉम अपर पोर्शन टू लोअर पोर्शन, और उसका बहुत बड़ा है पॉइंट के हमेशा प्यूरिन पाइरिमिडिन के सामने होगा। भाई एडिनिन एक प्यूरिन है, उसके सामने थाइमिन आपका पाइरिमिडिन हो गया, या एडिनिन के सामने यूरेसिल हो गया आरएनए में डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड और क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से दूसरा है आपका आपका ग्वानिन एक प्यूरिन है, उसके सामने पाइरिमिडिन साइटोसिन। तो ग्वानिन, और देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पर भी डीएनए आरएनए अलग है, और यहां डिफरेंट भी है और सिमिलर भी है। सिमिलर है कि दोनों में ही सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर ही साइटोसिन के सामने ग्वानिन होता है या ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है। फर्क ये है कॉम्प्लीमेंटेरिटी में कि भैया यहां पर ए के सामने टी होगा, टी, लेकिन यहां पर ए के सामने यू होगा। तो ये भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर भी डीएनए आरएनए एक दूसरे से सिमिलर भी है और एक दूसरे से डिफरेंट भी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। और नेक्स्ट आता है टू चेन्स कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। जो राइट हैंडेड है, जो मतलब आपका वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए को बताया था, दैट इज द राइट हैंडेड डीएनए, और वो राइट हैंडेड डीएनए मतलब राइट हैंडेड कॉइलिंग है। सारी कॉइलिंग किसके बेसिस पर है? राइट हैंड के बेसिस पर है। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट। तो राइट हैंडेड है और इस डीएनए को बी डीएनए, अल्फाबेट बी, बी फॉर बॉय, तो इस डीएनए को बी डीएनए कहा गया था, और इसमें सारी कॉइलिंग राइट हैंडेड कॉइलिंग है। जितनी भी कॉइलिंग है वो राइट हैंड की तरफ है, राइट हैंड साइड पर है, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? राइट हैंडेड फैशन में इस डीएनए का नाम, अब अलग अलग बेसिस पर अलग अलग नाम है, लेकिन दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, एंड दैट इज द बी डी एन ए, और बी फॉर बॉय, तो इसको हमने बी डी एन ए नाम दिया। देखिए तो राइट हैंडेड फैशन में, अब यहां पर एक वर्ड कह रहे हैं ये पिच। देखिए भाई ये पूरा जो एक दो मोड़ है आप देख रहे हैं, ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है,
तो ये दो टर्न के बीच का गैप पूरा का पूरा ये पिच कहलाता है, जहां मैं अपना हाथ लगा रहा हूं। सो दैट इज बेसिकली द पिच, ये पिच है आपका। तो दिस इज पिच, तो ये पिच आपको बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। अब ये पिच में जो जर्नल फॉर्म है डीएनए की, उसके अंदर भैया ये लगभग आपका 3.4 नैनोमीटर का गैप होता है, या 34 एंगस्ट्रॉम का। और ज्यादातर ये देखा गया है कि इस पूरी पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। कौन? वही एडिनिन के सामने थाइमिन, या थाइमिन के सामने एडिनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, या साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी रफली 3.4 एंगस्ट्रॉम, या 0.34 नैनोमीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है फॉर बोर्ड एग्जाम, 100% दैट कैन बी आस्क्ड। क्योंकि अभी हम इस अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं। दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। अब यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ डीएनए। सपोज कीजिए कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे? फॉर्मूला जर्नल है, जो आप किसी की भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स। देखो जी, कोई भी डीएनए की हम बात करें इन द वर्ल्ड, ऑल द ऑर्गेनिज्म, दो और बेस पेयर्स के बीच में, सभी के डीएनए में जो एक कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि उन 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जैसे ये 2 बेस पेयर हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी भैया 3.4 × 10, अभी 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। अभी हमने कहा ना ये रहा नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में आप जानते हैं 10⁻⁹ होते हैं, तो वही सेम चीज। अब यही बात अभी हमें कैलकुलेट करनी है। अभी हमने पढ़ा था ह्यूमन के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 6.6 × 10⁹, और डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया 0.34 × 10⁻⁹। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप भी समझ रहे होंगे, 10⁻⁹, 10⁻⁹ कैंसिल हो गए। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी आएगा आपका 2.2। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए की लेंथ, ह्यूमन डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर होती है, सेम हमने वो आपको बता दिया। अब हमें ये कहां से मिला? ये इस वॉटसन एंड क्रिक के इस मॉडल से मिला, जिसमें हमने ये बात समझा कि पिच जो होती है, यानी कि 2 टर्न के बीच का गैप, उसके अंदर जनरली सब जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ डीएनए है, जिसे हम बी डीएनए या राइट हैंडेड डीएनए कह रहे हैं, इसमें अभी आपने पढ़ा था कि एक पिच के अंदर 2 टर्न के बीच के गैप के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, और 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होती है, या 3.34 × 10⁹ मीटर होती है। और इससे किस तरीके से, देखिए फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एमसीक्यू के लिए, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप ये ना सोचे कि भैया न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आ सकते, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल बन गया ये, तो न्यूमेरिकल बेस्ड इस तरीके का क्वेश्चन बायोलॉजी में भी आपसे मिल सकता है, बन सकता है। तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखें, डोंट लीव इट, डोंट टेक इट इजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए, अब फिर ये फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर अदर। अब यहां ध्यान से देखिए, एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर है, और साथ की साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 2 स्पेशल फीचर डीएनए हेलिक्स को क्या बना रहे हैं?
स्टेबल बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है कि डीएनए हेलिक्स है, भाई हेलिकल है तो उसके वीक होने के चांसेस ज्यादा है, स्ट्रेट ज्यादा मजबूत होगा घुमावदार की जगह, लेकिन यहां पर ये घुमावदार भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? दो कारणों की वजह से, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस पेयर्स, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाए हुए, स्टैक वन ओवर अदर, सो दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल, इन दो पॉइंट्स की वजह से। अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं ये कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। आपको मैंने बताया था भैया प्यूरिन जो है वो दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड है, एडिनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडिन एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाला कंपाउंड है, थाइमिन यूरेसिल और साइटोसिन, और दूसरा हमेशा गुआनिन के सामने साइटोसिन होगा या वाइस वर्सा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ट्रिपल बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस किस के बीच में बनते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि वो अवेलेबल फ्री अवेलेबल होते हैं, तो इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, दैट इज नेचुरल बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई देयर दिस बॉन्डिंग विल बी डेवलप, दैट्स अ पार्शियल और वीक बॉन्डिंग बट दिस एग्जिस्ट। इसी तरीके से तो ये आप इस बेसिस पर पाइरिमिडिन और प्यूरिन के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा बट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको बताया था उसका रीजन, उसका रीजन है क्या? हमेशा प्यूरिन पाइरिमिडिन के सामने होता है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। इसी वजह से दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो विड्थ होती है ऑल ओवर द लेंथ ऑफ डीएनए दैट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब उसके बाद आप देखें proposition of a double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. आग लगा दी इसने, मील का पत्थर साबित हुआ ये, और इसीलिए वाटसन और क्रिक आज भी पूजे जा रहे हैं, आज भी उनकी ही स्ट्रक्चर को वैल्यू दी जा रही है। तो उसके बाद सेंट्रल डॉगमा के बारे में इस वाटसन एंड क्रिक ने बताया, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि भाई डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, दैट इज यूनिवर्सली सेम एक्सेप्ट इन वायरसेस। देखिए जी, डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह बदलाव आएगा इसका, और वो आएगा वायरसेस में, और वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायरसेस के अंदर क्या चेंज आएगा, इस चेंज को समझिए बच्चों। वायरसेस के अंदर देखो होता है जेनेटिक मटीरियल आरएनए। तो सबसे पहले वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा, दैट इज द होस्ट डीएनए के जैसा है। वायरल डीएनए ये, लेकिन ये बिल्कुल होस्ट के जैसा, बिल्कुल उसकी नकल जिसे कहते हैं, ताकि होस्ट उसको अपना ले, तो उसके जैसा बना देता है। उसके बाद क्या करेगा भैया, ये सिंपल प्रोसेस, ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा इसमें, और ये बदलेगा एमआरएनए में। अब ये है वायरल, वायरस का एमआरएनए, लेकिन बना कौन रहा है? होस्ट बना रहा है। देखो इतना उसने, हम कहां कहते हैं जी वायरस एक सेल भी नहीं है, और देखो एक सेल भी ना होने की बावजूद भी इस ये हैकड़ी से होस्ट से काम करवा रहा है, ढींगी से होस्ट से काम करवा रहा है, और यही हमारा बहुत बड़ा बेसिस बना बायोटेक्नोलॉजी का, जो हमने पढ़ा बच्चों। और
इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए से बनेंगे प्रोटीन, अगेन दीज प्रोटीन ऑफ वायरस, लेकिन बना रहा है होस्ट एंड दैट इज नेम्ड एज ट्रांसलेशन एंड दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टैमेनिज्म। टैमेनिज्म भी इसे हम कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी वॉटसन एंड क्रिक ने इसके बारे में हमें जानकारी दी, इस सेंट्रल डॉगमा के बारे में हमें परिचित कराया, इसका आभास कराया, इसके बारे में प्रपोजिशन दी हमें। अब यही बात ये सेम देखिए वायरसेस के बेसिस पर हमने सब कुछ कर लिया। अब देखो बच्चों, अभी हम इस वन शॉट में केवल डीएनए के सारे एस्पेक्ट को समझ पाए हैं। अब देखो बच्चों, यही होता है जब हम गहराई में चीज को जाते हैं तभी वो हमारे काम की होती है। अब आप इसे मल्टीपल टाइम्स लिखें, इसको लिख लिख कर इसका मजा लें और इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये मेरे हिसाब से जितना भी हमने पढ़ा है कम से कम 2 नंबर का तो ये पक्का आपका एग्जाम में है, क्योंकि हर साल घूम फिर के ये एमसीक्यू बेस पर आ ही रहा है। हो सकता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर आपको ये केस बेस्ड बन जाए, तो कम से कम आप मानकर चलिए 5 नंबर तक का भी इसके अंदर आ सकता है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन या आपका केस बेस्ड, या 3 नंबर या 2 नंबर और एमसीक्यू, तो किसी भी फॉर्मेट में बन सकता है। तो ये 1 से लेकर 5 नंबर तक का हमने इस टॉपिक के अंदर, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, ये एक बड़ा लेंथी चैप्टर है। जैसे अभी हमने इनहेरिटेंस वाला कंप्लीट किया, वो एक बड़ा लेंथी चैप्टर था, उसी तरीके से ये भी बड़ा लेंथी चैप्टर है बेटा। लेकिन लेंथी होने का मतलब ये नहीं है, वन शॉट का मतलब मेंटोर जी पर ये नहीं है कि काम को निपटाना है, वन शॉट का मतलब मेंटोर जी पर है कि आप तक वो कम से कम समय में बेस्ट तरीके से पहुंचाना। तो वही कोशिश हमारे सभी मेंटोर्स कर रहे हैं, इसी तरीके से जुड़े रहिए, मजा लेते रहिए और बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए और वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी और फिर आगे के इस प्रोस्पेक्टिव को शुरू करते हैं। वन शॉट इसका दूसरा पार्ट में जल्दी ही आपके साथ लेकर आऊंगा।